जो सिंगार दाना है ये मिला है सिर्फ 300 रुपीज का। तो ज्यादा थिक बनाए ना थिन बनाए तो सही बना, चावल में भी खा सकते रोटी में भी खा सकते। तो आवाज ही नहीं निकलती, हवा निकल जा रही है। दुआ दीजिए, दुआ दीजिए, मम्मी को भी बोलती है वो। साथ में मैंने ले लिया है 5 या 6 हरी मिर्च अपने हिसाब से। चश्मा लगाने से जरूरी नहीं जो चश्मा लगा रहा है वो बुढ़ा है, समझे ना। आज का माई की पेंटिंग ने प्राइस में लेके आए ना, इतना तो बहुत ज्यादा काफी है। मतलब गाइस कैसे आप लोग, खैरियत होंगे, बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। वेलकम टू माय मदीना चैनल। आप लोगों का मदीना के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग की सुबह हो गई होगी, गुड मॉर्निंग हो गई होगी, आप लोग का नाश्ता भी हो गया होगा, सही बात है। हाँ सही बात है। तो बस आज का व्लॉग मैं जो चालू कर रहा हूँ सुबह के टाइम पे, बस अभी कुछ कितना टाइम हो रहा है, 10 बज गया है। तो मैं बोला चलो यार थोड़ा शुरुआत तो हम भी करें, मगर इतना है कि घर में बैठ के बिंदास बोल रहा हूँ, भारी आवाज़ ही नहीं निकलती, फुस हवा निकल जा रही है। क्या करें इंशाल्लाह, फिर भी कोशिश करूँगा थोड़ा सा व्लॉग लाया आपको। मेरा अभी जो व्लॉग डाले थे वो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो आया है तो कमेंट तो जरूर करेंगे, तो मैं पढ़ूँगा जरूर, तोड़ जोड़ के पढ़ूँगा, मगर पढ़ूँगा जरूर कि मेरे बारे में क्या आपने बोला है। बाहर क्या होता है ना कि इतने लोग देखने के बाद है ना गाइस, मेरे को है ना बोलने में थोड़ा बहुत बहुत थोड़ा नहीं बहुत गिजगिजाते रहता है, यानी कि एकदम डर लगता है। तो ऐसे भी एक बंदे मिले थे, तो वो ही बोल रहे थे मेरे को कि भाई टेंशन नहीं लेने का, डरने का नहीं, बिंदास चालू हो जाने का। बोला हाँ भाई सही बात है, मगर क्या करें मेरे को हिम्मत नहीं, हिम्मत देंगे अल्लाह इंशाल्लाह, मखदूम साहब हुआ है साथ में तो हिम्मत जरूर आएगी। तो देखिए अभी माई तो चले गई ट्यूशन है, और आपकी बाजी जो है बस वेट कर रही है कि कब मेरे तरफ घुमाएंगे कैमरा, नजर नहीं कैमरा। तो देखिए आपकी बाजी देखिए क्या कर रही है। मैं मेरा चश्मा साफ कर रही हूँ। क्या यार बुढ़ी बाथरूम में बैठी है, जवान आदमी यहाँ बैठा हुआ है। चश्मा लगाने से जरूरी नहीं जो चश्मा लगा रहा है वो बुड्ढा है, समझे ना। आजकल चश्मा बच्चों को भी लगता है, समझ बोलो। हाँ कुछ भी है मैं कुछ भी बोलते हैं। तू 18 बरस की बस तो हेलो एवरीवन, सलाम अलैकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, अपने घरों में मजे में होंगे। तो अल्लाह करे आप बस खुश रहे, आबाद रहे, और जो जो लोग मुझे देख रहे हैं ना बस उनके घरों में बहुत खुशियाँ हैं। तो चले ब्लॉग तो आपके भाईजन ने शुरू कर दिए हैं, तो चले कंटिन्यू हम करते रहेंगे। और कल हमारा कबाड़ कैसे लगा, कबाड़ कैसे लगा वैसे तो आप लोगों की बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए, और आप लोग ने पूछा कि मदीना आपा इसका प्राइस नहीं बताए। तो इनशाला यार प्राइस बताना तो बनता है ना यार, इतना अच्छा कबाड़ आया है घर में, और आपके भाईजन ने जो ना मेरी विश पूरी की है, बट कहीं ना कहीं ये माई के लिए यूज़फुल हो रहा है, मेरे लिए नहीं हो रहा है, बट माई मज़े कर रही है। मतलब चीजें बहुत ज्यादा जगह मिल गई है, कुछ ना कुछ तो काम चली जाएगा। और जितने प्राइस में लेके आए ना उतना तो बहुत ज्यादा काफी है, मतलब जब तक मैं यहाँ पे हूँ ये रूम में वो अच्छा खासा यूज हो जाएगा ना भैया। 6 महीना भी वसूल हो गया, 6 महीना भी यूज हुआ, 6 महीना क्या 3 महीना भी यूज हुआ, तो हम लोग का पैसा वसूल। क्योंकि इसका प्राइस जो था ना वो आपके भाईजान बताएंगे, क्योंकि वो जो है ना मैंने आपको बताया ना कल के ब्लॉग में सेकेंड हैंड में लेकर आई, ये न्यू नहीं है, बट वो इतना यूज भी हुआ नहीं है, अच्छा है। थोड़े से नीचे के ड्रावर जो है ना वो थोड़े बहुत हिले हुए हैं, बट काम चल जाएगा हम लोग का। उसको स्क्रू टाइट कर दूंगा, बराबर हो जाएगा। आपके भाईजन को ये थोड़ा रिपेयरिंग कर दूंगा मैं, उसको अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। आप लोग दुआ करना जैसे मदीना आपा के आज घर में सेकंड हैंड आया है ना, इंशाल्लाह आप लोग दुआ करना एक दिन ऐसी न्यू वाला भी जरूर आए, जरूर दुआ करना मेरे लिए। तो मैं ऐसा वाला अपने लिए सिंगारदान बनाऊंगी जो नीचे बैठने वाला होता, जैसे कि मैं नीचे बैठ के बनाऊँ, नीचे बैठूँ और आराम से मेरा जो मेकअप वैकअप है ना मेकअप शेकअप करूँ। तो आप लोग जरूर दुआ करना कि मदीना आपा के लिए नीचे वाला सिंगारदान भी जरूर आ जाए, आप लोग दुआ करना, आप लोगों की दुआएं पता नहीं किसके लग जाए। और आपके भाईजन तो मुझे यकीन है कि वो तो मुझे एडजस्ट कर ही देंगे, कभी ना कभी तो हो ही जाएगा इंशाल्लाह। आज सेकंड ना आया है, कल न्यू भी आ जाएगा, है ना, आएगा। मगर आपको एक बात बताता हूँ, मैं अभी प्राइस इसका नहीं बताऊंगा। क्यों जी? आपको एंडिंग में बताऊंगा। क्यों ऐसा करेंगे? स्टार्टिंग में बता दूंगा तो फिर गाइस बोले चलो मालूम तो पड़ गया, अब बंद कर दो वीडियो। हाँ तो आपको जाना नहीं है एंडिंग में, तो इसलिए एंडिंग तक तो आप देखो तब जाके तो पता चलेगा।
अच्छा चलो इसको एंडिंग में मैं आपको प्राइस जरूर बताऊंगा। मैं बैठे बैठे अभी ध्यान में आया मेरे कि मैं बोला अभी बीच में नहीं टपक डालूं। अच्छा इसके बाद मैं एक रेसिपी भी शेयर करूंगी, जो कल की रेसिपी है जो रह गई थी उसको भी शेयर करूंगी, ठीक है। अभी ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, प्राइस बता के जाऊंगी, तो ब्लॉग पूरा देखना। जो लोग देखते हैं ना उनका तो बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे पता है बहुत लोग मेरा ब्लॉग पूरा देखते हैं, तो उनका बहुत 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 शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह खैर। और जो लोग थोड़ा भी देखते हैं ना उनके लिए भी शुक्रिया कि चलो कम से कम थोड़ा सा देखते हैं ना, मुझे एक व्यू मिल जाती है। अब इसको ज्यादा लंबा नहीं करूंगी, चले बाद में मिलती है, चले बाय बाय। देखो ये दोनों को देखो, देखो ये देखो गाजर खा रहे हैं, अभी एक में लड़ेंगे, हालांकि एक और एक किधर पे है। बारिश आ रही है बाहर फिर से, आपके भाई जान अभी जाने का गाड़ी पे जाने की तैयारी कर रहे हैं, बस पानी नहीं हुआ ना इसके लिए रुके, गाड़ी पे निकलेंगे। माई को स्कूल के लिए मैंने रेडी किया और ये मैंने उसका रखा ORS का पानी, मैंने इसमें ORS का पानी बना दी क्योंकि ना उसको लूज मोशन भी हो रहा है और उसका पेट भी दुख रहा है ना, तो अभी उसका सब रेडी है। और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर है ना उसके टिफिन में ना एक केक का बाइट डाला, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला क्योंकि अभी वो कुछ भी नहीं खाऊंगी ऐसा बोल रही है। हेयरबिन है ना, ये हेयरबिन तो लगाने का है ना सर पे, पकड़ो ये। अच्छा यहाँ पे माई का हैंकी भी रेडी किया मैंने, अब ये जाएगा इसके बैग में, इसका हैंकी मैडम का। और यहाँ देखें मैडम का जो है पाउडर वाउडर लग रहा है। सिंगारदान माई को काम आ रहा है, माई मज़े कर रही है, माही मजे कर ले तो अच्छी लग रही है मेरी बच्ची सिंगारदान पे, बैठ के कर मम्मा बैठ के कर, स्टूल है आराम से बैठ के, अरे वाह चलो माई का बैठ के मेकअप हो रहा है, या देखो जरा मम्मा का स्माइल तो आए आए। अच्छा ठीक है, माई का ना पेट अभी दर्द, अभी कल मैंने दवा लेकर आई है, देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए कल दवा मंगाई नुमेर ने जाके दवा लेकर आया है, और अभी इसमें से दो खुराक कल रात में और अभी मॉर्निंग में खाई है, अभी दोपहर में खाने का है। अभी चलो सब देख लिया गाइस लोग ने। अच्छा माई जो है ना अभी आज भी नाटक कर रही थी, अभी बहुत अच्छा है ना, हाँ बहुत अच्छा है, वेरी गुड। बताओ माई की पेंटिंग वाव अच्छी लग रही है, कौन सा स्कूल है ना, स्कूल का स्कूल बनाई है। तो माई का पेट है ना आज भी दुख रहा था, अभी जब से रोई रहती है, तो मैंने इसको बोल दी कि ना अगर छुट्टी करती तो कर ले, तो माई तो आज कुछ भी हो जाए स्कूल की छुट्टी नहीं करेगी क्योंकि कल हो गई उसकी छुट्टी, आज नहीं करने वाली। तो माई स्कूल के लिए निकलेगी, बस दुआ करे कि माई की तबीयत ठीक हो जाए, बोलो व्यूअर्स को तबियत ठीक हो जाए हमारी। हेलो एवरीवन, कांगवानो में मम्मी जाएगा सब लोग। हाँ सब कुछ ले लो, सब कौन से पेज पे, मेरा नंबर है बेटा यहाँ पे, मैंने ना फर्स्ट पे पेज पे यहाँ पे रेगो ये देखिए ये भाई का, हाँ यहाँ पे मैंने नंबर लिखी हूँ बेटा, मम्मा का भी है मम्मी का भी है और भाई का भी है, दो तीनों का नंबर है ठीक है। हाँ देखो पीछे बैक में भी मैंने नंबर लिखी हूँ ठीक है, पापा का भी है भाई का भी है मम्मी का भी है। पापा को नहीं, पापा गाड़ी पे रहते, मुझे ही फोन करना अगर ऐसा कुछ लगेगा तो ठीक है, वरना आराम से अपनी पढ़ाई कर लेना ठीक है। जानवी के घर पे आऊंगी, मुझे मालूम है तू घर पे आने वाली ही नहीं है क्योंकि कल उसका बहुत सारा छूट गया ना, तो वही सुबह से रो रही थी, बोले मेरा कल जो था ना नोटबुक भी नहीं मिला, वर्कशीट भी नहीं मिला मराठी का, है ना फ्रेंड बोल रही थी कि वर्कशीट सबको मिला, सबको मिला, मेरी माई को नहीं मिला, जानते आज मिल जाएगा। चले हमारी माँ अच्छी, बैग मत नहीं लो वजन है, चलो फिर पेट दर्द हो जाएगा, चलो चलो बाय। जो है ताई को बुलाने के लिए गई है, आई क्या होता है आ रहे, चलो माँ ही निकल रही, अल्लाह मेरे बच्चे को दुआ रहे, अल्लाह मेरे बच्चे को कामयाब करे, बस मेरे बच्चे की तबीयत अच्छी रहे, अल्लाह बस किसी किसी दे बस, अल्लाह मेरे बच्चे की तबीयत अच्छी रहे, बस फ़ोन नहीं करना, हाँ अगर तबीयत खराब होगी तो फ़ोन करना ठीक है। मेरे भेज ये निकाल के लेकर आइए, पेपर हो गया ना उसके, चलो ठीक है संभाल के जाके आना मम्मा, हाँ बाय अल्लाह। क्या पहन रही चप्पल सैंडल नहीं नहीं कुछ ना कुछ नहीं, चप्पल पहन रही है वो सैंडल पहनने के बदले, दिमाग ही नहीं चलता माई का, संभाल के जा अल्लाह हाफिज़, चलो चंगू मंगू बाय। इसको देखो ये देखो ये देखो ये देखो दोनों को, नुमेर ने रात में फिर पोता लोग का चेंज मारा, चले अजान भी हो गई, माही देखे गई देखे
अजान भी हो रही है, मैं जाती हूँ जरा नमाज पढ़ती हूँ जोर की। अच्छा जी चले, आज मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में कोफ्ता कड़ी। तो कोफ्ते की कड़ी आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, और उसके लिए मैंने ले लिया है कोतमीर और पुदीना दोनों, थोड़ा थोड़ा से मैंने ले लिया है, एक अंडा मैंने ले लिया, साथ में मैंने ले लिया है 5 या 6 हरी मिर्च अपने हिसाब से बच्चों को जितना स्पाइसी लगे, साथ में मैंने लिया है लहसुन कम से कम 10-11 पीसेस और अदरक दोनों मिला के और अक्खा धनिया और फिर थोड़ा से छिलेला चना। ठीक है, छिलेला चना जो है ना मैंने 50 ग्राम ले लिया था। चले यहाँ पे आते हैं स्पाइसेस की तरफ, और स्पाइसेस में मैंने ले लिया है पाव चम्मच गरम मसाला और तीखी वाली और कश्मीरी लाल मिर्च के बुक्की जो है ना वो मैंने 1-1 चम्मच लिया दोनों भी, और साथ में जो है ना हल्दी पाउडर जो है मैंने वो ले लिया है 1/2 चम्मच, और उसके साथ में मैंने लिया है तिक्का बोटी का मसाला आता है ना जो एवरेज का, वो मैंने ले लिया तिक्का बोटी मसाला एवरेज का 1 चम्मच ले लिया, साथ में मैंने ले लिया है नमक। ठीक है, अभी सारे स्पाइसेस को मैं साइड में रखूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी, इन लोगों को पीस लूँगी, इसको थोड़ा दड़दड़ा ही पीसूँगी ताकि एकदम मतलब ज़्यादा वो नहीं हो जाए, और अंडे को साथ में मिक्स कर लूँगी, अंडे को मैं साथ में इसलिए मिक्स करूँगी ना। अच्छा मैंने यहाँ पे कोथमीर भी धो लिया, और कोथमीर को मैं हमेशा धो के डालती ही हूँ, तो मैंने कोथमीर को धो लिया, उसका पानी मैंने अच्छे से निकाल लिया था, क्योंकि फिर हम लोग को जो पेस्ट है ना वो थोड़ा गाढ़ा ही बनना चाहिए, पानी नहीं चाहिए क्योंकि कोफ्ते को पानी नहीं लगता है। तो मैंने अंडे को भी साथ में डाल दिया कि अंडे का जो गीलापन रहेगा ना वही मसाले में भी हो जाएगा, तो पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब यहाँ पर जो है ना देखिए पेस्ट तैयार हो गया है, अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी हमारे कीमे के अंदर, और यहाँ पर देखें कोफ्ते में मशीन का कीमा है जो सिर्फ एक ही हाथ मैंने मारा है, डबल हाथ नहीं है। सारे स्पाइसेस भी मैं ऐड कर लूँगी, अब इसको अच्छे से मतलब अच्छे से इसको मिला लूँगी, और चम्मच से नहीं मिलाऊँगी मैं इसको, हाथ से ही मिलाऊँगी, क्योंकि चम्मच से मिलाने पे वो बराबर से अंदर तक के जो मसाला है नहीं जाएगा, तो हाथ से मिलाने पर ना ये बहुत अच्छे से मतलब मिक्स हो जाता है। तो हाथ से मिलाने के बाद में मैं इसके छोटे छोटे से ना कोफ्ते बना लूँगी, मतलब ये जो कोफ्ते हैं ना मेरे ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं और ज़्यादा छोटे भी नहीं हैं, मैं मीडियम साइज़ बनाऊँगी। तो ये कोफ्ते मैंने बना के देखे रेडी कर लिया है, और ये बड़े अच्छे लग रहे हैं ना, तो इंशाल्लाह बनने के बाद भी बहुत अच्छे लगेंगे। तो मैंने यहाँ पे फिर इसको फ्रीज़ कर लिया कि चले जब तक ये कड़ी का मसाला रेडी कर लेती हूँ, उसके लिए मैंने ले लिया 4 कांदे, 3 टमाटर, 2 हरी मिर्च, और यहाँ पे मैंने ले लिया 150 ग्राम दही, 1.5 चम्मच मैंने ले लिया अदरक लहसुन का पेस्ट, और यहाँ पे फिर मैंने थोड़े स्पाइसेस वगैरह ऐड की है। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है कोफ्ता मसाला जो है ना, कोफ्ता कड़ी मसाला बोलेंगे ना वो मिल जाएगा, कोफ्ता कड़ी मसाला 1 चम्मच, 1/2 चम्मच जो है ना काली मिरी, और 1/2 चम्मच हल्दी की बुक्की, 1/2 चम्मच तीखी वाली मिर्ची की बुक्की, और 1 चम्मच जो है ना अक्खी कश्मीरी लाल मिर्ची की बुक्की, और 1/4 चम्मच जो है गरम मसाला, साथ में कसूरी मेथी मैंने ले लिया थोड़ा से। अच्छा ठीक है, अभी मैं थोड़े से गरम मसाले भी मैंने लिया, ऐड कर दिया 2 इलायची, 2 लौंग, 1 दालचीनी और 2 पत्ता और थोड़ा ज़ीरा। अच्छा इसको मैंने डाल दिया बघारे के लिए तेल में, और फिर मैंने डाल दिया 2 हरी मिर्च, और कांदा जो था ना हमारा वो मैंने ऐड कर दिया। इसको मैं अच्छे से लाल कर लूँगी, मतलब नरम नहीं सिर्फ अच्छे से लाल कर लूँगी, और साथ में मैंने जो कोफ्ते हैं ना वो साइड में कढ़ाई में मैं अपने कोफ्ते भी भून रही थी कि मतलब उसको भी थोड़ा फ्राई कर लूँगी, और कोफ्ते देखे मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया मतलब। तो अब ये रेडी है हमारे कड़ी के लिए, कोफ्ते जो ना रेडी है वो कड़ी के लिए, और ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, सारे कुछ मैंने फ्राई कर लिया था। अच्छा यहाँ पे कांदा मेरा लाल हो गया है अच्छा खासा, और फिर मैंने उसमें टमाटर ऐड कर दिया, टमाटर ऐड करने के बाद में मैं उसको अभी इसके अंदर जो जितने भी स्पाइसेस वगैरह तो मैंने निकाला था ना वो स्पाइसेस वगैरह भी ऐड करूँगी, और पहले तो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया, और उसके बाद में मैं स्पाइसेस भी ऐड कर दूँगी, मतलब सारा कुछ एक ही साथ ऐड कर दूँगी ताकि सब सारे एक ही साथ में पक जाए। अब अलग अलग इसको थोड़ा थोड़ा करके पकाने से अच्छा ना कि एक ही साथ में पका लूँ मैं, तो बस अभी मैंने स्पाइसेस जितने भी लिया था ना मैंने सारा कुछ यहाँ पे ऐड कर दिया। अच्छा दही जो है ना वो आप अपना हिसाब से आप स्किप भी कर सकते हो, अगर डालना हो तो डालो, नहीं डालना तो कोई बात नहीं, बिना दही के भी ऐसी बहुत अच्छा बनता है ये कोफ्ता कड़ी। तो बट दही जो है ना आपके भाईजान ने स्पेशल रिक्वेस्ट किया था मेरे को कि दही डालना है कड़ी के अंदर, हालांकि कड़ी जो होती है ना वो खट्टी नहीं अच्छी लगती, बट इनको पता नहीं क्या है, इन्होंने बोला मुझे दही डाल के खट्टी खट्टी बनाओ, कोफ्ता कड़ी जो है ना खट्टी चाहिए मुझे, तो मैं बोला अच्छा ठीक है चलो दही मैंने इसलिए ऐड किया। तो यहाँ देखिए मसाला ऑलरेडी इतना बन चुका है कि मेरे को लग रहा था कि काफ़ी है, इसमें अगर मैं कोफ्ते छोड़ के एक अच्छी सी कड़ी भी रेडी हो जाती थी, बट अब उनको चाहिए था दही, तो फिर मैंने दही मंगा के फिर दही को भी मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया, बट पूरा नहीं डाला मैंने, 150 ग्राम दही थी तो उसमें से मैंने आई थिंक 70 ग्राम डाला, उससे ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि फिर ज़्यादा खट्टा हो जाएगा ना, तो मैंने उसमें दही ऐड कर दिया। टमाटर ऑलरेडी था मेरे पास में, बट आपके भाईजान ने बोला इसलिए मैंने दही ऐड किया। अच्छा यहाँ पे दही ऐड करने के बाद में मैंने दही को अच्छे से पका लिया था, पकाने के बाद में मैंने जो जितने अपने कोफ्ते थे ना वो मैंने ऐड कर लिया, तो कोफ्ते डालने के बाद में मैं इसको अच्छे से थोड़ा से भून लूँगी, और भूनने के बाद मैं यहाँ देखिए अच्छे से मैं इसको भून रही हूँ, और भूनने के बाद ही मैं इसके अंदर जो है ना पानी ऐड करूँगी, और पानी नहीं ज़्यादा नहीं ऐड करूँगी, आधा गिलास काफ़ी है,
तो आधा गिलास काफ़ी है तो उसमें वो अच्छे से पक जाएगा। तो यहाँ देखिए मैंने आधा गिलास ही पानी ऐड करी, मेरे को थोड़ा इसको एकदम ना पतला करना है और ना गाढ़ा रखना है मतलब, तो इसको मैं अपने हिसाब से बनाऊंगी। तो यहाँ देखिए ये रेडी हो गया था, बस मैं चेक कर रही थी कि ना ज़्यादा थिक बनाए ना थिन बनाए, तो अपने हिसाब से सही बनाए। चावल में भी खा सकते, रोटी में भी खा सकते। तो ऑलरेडी मेरा जो कोफ्ता कड़ी है ना वो डन हो चुका है, मतलब बन चुका है। और यह देखिए कैसा दिख रहा है, ज़बरदस्त दिख रहा है कि नहीं? अच्छा बना भी ज़बरदस्त था, खाने के बाद में आपके भाईजन ने भी बहुत तारीफ किया। मैंने चावल भी ऐड कर लिया था, मतलब तैयार कर लिया था चावल जो है ना, मैंने बघार के बनाया था, उसके अंदर मैंने कलर भी थोड़ा से ऐड किया था, तो चावल भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये कॉम्बिनेशन कैसा लगा आप लोग ज़रूर मुझे कॉमेंट करके बताना कि मेरे कोफ्ता कड़ी आपको कैसे लगी। और प्लीज़ ट्राई करना, ट्राई करके मुझे ज़रूर बताना कि किसने ट्राई किया मेरी रेसिपी। तो चावल के साथ में और इनफैक्ट ये रोटी के साथ में भी बहुत अच्छी लगती है, नुमेर को तो रोटी के साथ ही पसंद है। तो बस आपके भाईजन ने जो है ना चावल से खाए और नुमेर ने स्पेशली रोटी बनवाया मुझसे। अच्छा चले फिर अभी यहाँ पे मैं अपना व्लॉग एंड करूँगी, और जाने के पहले मैं आप लोगों को बता के जाऊँगी कि ये जो कबाट है ये मैंने हम लोग ने कितने का लाया, मतलब आपके भाईजन ने कितने का लेकर आए, तो इसके प्राइस में बता के जाऊँगी कि ये कितने का लाए, क्योंकि आपके भाईजन ने बोला था ना कि जाने के लास्ट में बताना। तो यहाँ तक आप लोग रुके उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ तक रुके। और ये जो कबाट है ना ये क्या बोलते हैं आप लोग ने क्या बोला था, सिंगारदान, हाँ सिंगारदान, ये जो सिंगारदान है ये मिला है सिर्फ 300 रुपीज़ का। तो ये जो है ना इन्होंने बाहर वो होता है ना कि बेच देता कोई भी भंगार वगैरह में कि मतलब अभी यूज़ में नहीं आ रहा तो भंगार वालों को दे दो, तो उसी को दे वो उसी वही भंगार वाला जो था ना उसके पास ही था ये, तो वो लेके जा रहा था। तो आपके भाईजन ने रस्ते में देखे तो उसको रुका के पूछे कि ये चाहिए करके, क्या लेके जा रहा है करके, देखे तो अच्छा था तो उन्होंने उसको फिर 300 रुपये दिए, उसको पूछे कि कितना लेगा करके, तो बोला 300 लूँगा, तो हो गया डील और ये ले लिए। तो इतना है कि ना अभी हम लोग को काम चल रहा है ये, वैसे तो है तो ये पुराना बट हम लोग के लिए न्यू है हम लोग के लिए न्यू है, तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो आपके भाईजन ने क्या बोला कि मैं इसको थोड़ा से बना दूंगा, जो खुजला खिल्ला विल्ला निकला हुआ है, थोड़ा ड्रॉवर निकला है ना, तो आपके भाईजन ने बोला कि थोड़ा से उसके अंदर 300-500 रुपया थोड़ा खर्चा करेंगे तो वो अच्छा हो जाएगा, तो हम लोग को चलेगा काफ़ी टाइम तक ही, तो चले जो भी है हमारे लिए तो नया है। और कैसे लग रहा है आप लोगों ने तो बोला था कल बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया, बट हम लोग के लिए नया है। बाकी इंशाल्लाह देखेंगे, अल्लाह चाहेगा तो एक दिन नया भी लेके आएंगे। बाकी चले फिर ब्लॉग को एंड करूँगी, लंबा नहीं करूँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना, मेरे चैनल पे नहीं हुए तो काइंडली सब्सक्राइब कर देना, एज वेल एज मेरी वीडियो को शेयर जरूर करना। और चले फिर अपना रखे बहुत सारा ख्याल, मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट मज़ेदार वीडियो ब्लॉग रेसिपी के साथ, जब तक कि दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।